पूरे वर्ष में एक दिन मकर संक्रांति। हमारे हिंदू धर्म में ये दिन है, हमारे हिंदू धर्म में जो ये दिन है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए आए, एक भगवान शिव। देखिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि का एक एक बार का एक एक महत्व है, उसको समझिए। पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। माता लक्ष्मी, भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तिरछी दृष्टि। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया है कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, ये छुपी रहेगी। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है, पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें एक का सिक्का, दो का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है, उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना हो, वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, चार दिन दुकान अच्छी चल रही है और चार दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, वो दोपहर में लगभग लगभग ढाई बजे के करीब में आए, ढाई से तीन के करीब में आए। तो निवेदन करूंगा मैं आपको, आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार अब चार दिन अच्छा चल रहा है फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा ढाई के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में ढाई तीन बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबीयत थोड़े दिन अच्छी हो रही है फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही फिर बेकार हो रही, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे करना, थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा ले लें, काली तिल बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की पांच पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में व्यापार में या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है, अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है चम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए, चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना,